राजस्थान के अलवर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना ने सारे देश में एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर भीड़ ऐसे कैसे किसी की जान ले सकती है, और यह मॉब लिंचिंग की घटनाएं कब रुकेंगी, यह सरकार के सामने सवाल बना हुआ है। इसी को लेकर कोलकाता में एक समुदाय ने प्रदर्शन किया और क्या कहा, सुनिए। सर, जो मॉब लिंचिंग का चल रहा है, जिस तरह से एक कम्युनिटी को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये पूरा कसूरवार वो लोग हैं जो मरकजी सरकार हैं, सेंट्रल की सरकार है। इसलिए कि जिस अकबर को मारा गया है अलवर ज़िला राजस्थान के अंदर, उस अलवर ज़िले में मारने के बाद उसने मारने वाला बार बार कह रहा है कि मैं बीजेपी का एमएलए हूँ, मैं बीजेपी का एमएलए का आदमी हूँ, मैं उनके साथ रहने वाला आदमी हूँ, और ये बात कहकर मार रहा है। क्या ये बात हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के कानों तक नहीं पहुंची थी? क्या हमारे इस तरह की बातें उनके कैबिनेट के मिनिस्टरों तक नहीं पहुंची थी? लेकिन आवाज़ बंद है, उन लोगों की कानें बंद हो चुकी है। याद रहे कि मुल्क हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी से, उनके कैबिनेट से ये सवाल करती है कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग, चाहे हिंदू भाई के साथ हो या सिख भाई के साथ हो या मुसलमान भाई के साथ हो, जुल्म जुल्म है। आप उनको फौरन फांसी के सजा पे चढ़ाना चाहिए, और आप इसमें ढिलाई दे रहे हैं, खामोश बैठे हैं। आखिर मुल्क हिंदुस्तान को हो क्या गया? यही हमारा गंगा जमनी तहजीब है, यही हिंदुस्तान को हमने अपने खून से इस मुल्क को रंगा है, इस मुल्क को अपने खून से हमने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमने कहा है जन गण मन अधिनायक जय हो, हम इस मुल्क की परचम को ऊंचाई पे रखा है। क्या इसी दिन देखने के लिए कि हमारी खून को खराब किया जाए? मोहम्मद अरशद नदवी। तो सुना आपने कि कैसे इस युवक ने सीधे सीधे पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और देश को गंगा जमुना की तहजीब भी बता दी। अब देखना यह है कि आखिर इनकी आवाज पीएम तक कब पहुंचती है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।